ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोध्याय श्री अर्जुनोवाच किं तद् ब्रह्म किं त्याध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं चा किं प्रोक्तं धिदैव किं मुच्यते। भगवान के वचनों को समझ नहीं पाया अर्जुन, सो प्रश्न करता है, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, किसको कह रहे हैं, अधिदेव किसको कहा गया है, सो तो मुझे समझ नहीं आया। अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन र्याण काले च कथं गेवसि नियतामभिः। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में वह कैसे है, और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। अधियज्ञ का अर्थ क्या है, ब्रह्म कौन है, इस शरीर में वो ब्रह्म कैसे है, और युक्त चित्त वाले व्यक्ति अंतकाल में जब देह का त्याग हो रहा होता है उस समय किस प्रकार ज्ञानी अपने आप को ब्रह्म चिंतन में डालता है और वो स्थिति क्या होती है। कथम कोवत्र दे अस्मिन् मधुसूदना पर्याण काले, जब शरीर छूट रहा होगा उस समय क्या स्थिति होगी, क्या स्थिति होगी, देह कैसा होगा, मन कैसा होगा, बुद्धि कैसी होगी, प्राण कैसे होंगे, और ये चर्चा पूछ रहे हैं अर्जुन एक ज्ञानी के संदर्भ में, एक युक्तात्मा के संदर्भ में, एक तत्वज्ञानी के संबंध में, एक योगी के संबंध में। यहाँ चर्चा इस समय आम आदमी के देह प्रयाण काल की फिलहाल नहीं हो रही है, यहाँ चर्चा है, विषय है। अर्जुन प्रश्न पूछता है कि जब किसी योगी का, ज्ञानी, ब्रह्मवेत्ता का शरीर छूटता है तो उस समय क्या हो रहा होता है, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट एक्चुअली हैपन्स एट दैट टाइम। चूंकि श्री कृष्ण तो सब जानते हैं, वह परम पुरुष है, पूर्ण पुरुष, और इस पूर्ण पुरुष के पास ऐसी कोई बात नहीं जिसका पता उसको ना हो। तो अर्जुन के एक प्रश्न तो जो भगवान ने बोला अधियज्ञ अधिदेव अधिभूत, एक तो वो नहीं समझ उसको आया, और उसके साथ अर्जुन ने एक प्रश्न अपना और जोड़ दिया कि मृत्यु के काल में प्रभु होता क्या है। नाउ डेथ इज समथिंग विच इज सो मिस्टीरियस, बिकॉज व्हेन इट हैपन्स इट इज नोन ओनली बाय द वन हु इज गोइंग थ्रू द डेथ। People around that person can never ever understand what happens to him. You cannot. मृत्यु के समय में कितनी पीड़ा है, दुख है, शोक है, वियोग है, कष्ट है, क्या है, इसकी स्थिति तो सिर्फ मरने वाला जानता है, पर आज तक मरने वाले ने अपनी उस स्थिति का वर्णन तो किया नहीं है, क्योंकि वो खुद ही उस कष्ट के भंवर जाल में इतना फंसा हुआ होता है, वो अपना एक युद्ध लड़ा रहा होता है, क्योंकि मरना तो कोई चाहते नहीं। तुम क्या मरना चाहते हो, तुम्हें कितना ममता है, कितना मोह है अपने शरीर के साथ, और सबको है। याद रहे, जो लोग आत्महत्या करते हैं ऐसा नहीं है कि उनको अपने जीवन से मोह नहीं है,
पर वो जिस तरह जीवन जीना चाहते हैं चूंकि उनको उस तरह जीने का अवसर नहीं मिल रहा, इसलिए गुस्से के मारे वो शरीर छोड़ते हैं। और इस उम्मीद के साथ कि इस जन्म में तो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, तो अब मर के अगला जन्म होगा तो अब शायद कुछ स्कोप हो, कुछ उम्मीद की किरण। तो जैसा जीवन चल रहा है वैसे से वो असंतुष्ट है, दुखी है, परेशान है, इसलिए वो इस जीवन को समाप्त कर देता है। उसे मरने से कोई प्रीति नहीं, प्रीति तो जीवन से है, पर जिस तरह वो जीना चाहता है, उसकी पारिवारिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, उसको उस तरह जीने का अवसर नहीं मिल रहा, तो वो नाराज है परिवार से, समाज से, अपने आप से, अपनी असफलताओं से, अपनी कमियों से। और फिर उसे लगता है कि अब तो कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं, तो एक ही काम कर सकता हूँ कि यह जीवन समाप्त हो जाए और फिर नवीन जीवन का प्रारंभ होगा, तो फिर जो गलतियाँ अभी करी हैं वो मैं दोबारा ना करूँ। और ईश्वर से भी प्रार्थना करता है शायद अनकॉन्शियसली कि मुझे जो दंड अब मिला है वो फिर ना मिले। पर आत्महत्या करने वाला यह नहीं जानता कि ईश्वर के दिए हुए इस जीवन का तिरस्कार जो करते हैं उनको कभी कोई पुरस्कार नहीं मिलता। जो ईश्वर के दिए हुए इस जीवन का तिरस्कार करते हैं वो बहुत लंबे काल तलक बिना शरीर के पिशाच बनकर भटकते रहते, भूत बनकर भटकते रहते, प्रेत बनकर भटकते रहते। और फिर वो प्रार्थना करता है कि मुझे जन्म क्यों नहीं होता, मुझे जन्म क्यों नहीं होता। कभी कभी ऐसी ही स्थितियों में वो अपने परिवार से भी संपर्क साधता है कि मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए कुछ करो, अपने आप को तो मैंने इस अधोगति में डाल दिया, अब तुम ही कुछ करो, कुछ जप कराओ, कुछ यज्ञ कराओ, कुछ दान कराओ, कुछ तो कराओ कि मैं छूट सकूं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में कथा आती है गोकर्ण की और धुंधुकारी की। धुंधुकारी ने एक बहुत पापाचार का जीवन जिया था और इतना क्रूर जीवन उसने जिया कि माँ बाप का तिरस्कार किया, वेश्यागमन किया, जुआ शराब इत्यादि सब व्यसनों में वो फंसा रहा। और फिर मृत्यु उपरांत जब उसको नया जन्म न मिला और वो उसी घर में पिशाच बन के बैठा रहा, इसी घर में जब गोकर्ण का जन्म हुआ तब गोकर्ण को अपने यहाँ इस पिशाच का दर्शन होता है और वो उसको कहता है कि भाई तेरी ये स्थिति क्यों हुई, कैसे हुई। वो अपनी सारी कहानी कहता है और वो फिर उसी को प्रार्थना करता है कि तुम मेरे लिए कुछ कर। और फिर गोकर्ण भागवत को रखाते हैं और कहते हैं भागवत के सातवें दिन जहाँ उसकी पूर्ण आहुति हुई वहीं तत्क्षण उसी समय उस पिशाच की भी सदगति हो गई। ऐसे ही हमारे पुराणों में अनेकों अनेक उदाहरण ऐसे मिले कि जिन लोगों ने पापाचार का, व्यभिचार का जीवन जिया या जिन्होंने आत्महत्या करी, उन लोगों को बहुत अधिक कष्ट, जितना कष्ट शायद जीते में उन्होंने नहीं पाया उसके करोड़ों गुना अधिक कष्ट मृत्यु उपरांत उन्होंने पाया। सोच के देखिए, आप का जन्म हो नहीं रहा है और आप अपने परिवार को देख सकते हैं, घर को देख सकते हैं, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं साध सकते हैं, अपनी पत्नी, बेटे, बेटियां, बहू, जिस धन के लिए आप उनसे लड़ झगड़ रहे थे उसी धन को वो भोग रहे हैं और तुम कुछ कर नहीं सकते हो। वो गलत जीवन जी रहे हैं, तुम देख रहे हो और तुम कुछ कर नहीं सकते हो। ऐसी स्थिति क्या सुखकर हो सकती? अजब बात है, छोटे छोटे बच्चे 10वीं 12वीं का इम्तिहान में रिजल्ट अच्छा नहीं आया आत्महत्या कर लेते। आप सोच के देखिए कि इसमें मैं पूरा पूरा दोष उनके माँ बाप को देती हूं। मैं एक 13-14 साल का बच्चा जिसके सिर पर
माँ बाप और पूरा परिवार और खानदान बैठ जाता है कि तू नालायक है, हम लोग सब डॉक्टर इंजीनियर हो गए और तू तो कुछ भी नहीं होगा, तू कुछ हो। उस बच्चे के ऊपर कितना मेंटल टॉर्चर डालते होंगे कि 95% की सोच रखी थी और नंबर आ गए 90%, और इतनी बर्बाद से बच्चे ने स्कूल की छत से छलांग लगा ली। कौन जिम्मेदार? और मेरी दृष्टि में ऐसे माँ बाप के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि उनको माँ बाप होने की योग्यता नहीं थी और उन्होंने जन्म क्यों दिया, और जन्म दिया तो उस बच्चे की मृत्यु में वो इनडायरेक्टली कारण भी हैं। जरूरी नहीं हर बच्चा आपका 95% लेके आए, किसी बच्चे की शायद किन्हीं अन्य एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उसकी एक्सपर्टीज हो सकती है, वो अच्छा गायक, अच्छा नर्तक, अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, अच्छा चित्रकार, अच्छा पेंटर हो सकता है। ये जरूरी तो नहीं ना कि इंजीनियर का बेटा भी इंजीनियर बने और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने और साइंटिस्ट का बेटा साइंटिस्ट बने। एवरी चाइल्ड इज गेटिंग अ बर्थ विद हिज और हर capabilities which are imprinted in his genes, which are imprinted in his brain. जरा सा झगड़ा हुआ, जरा सा विवाद हुआ, जरा सा धन का नुकसान हुआ और आत्महत्या कर ली, उन्हें लगता हम बच गए, कर्जों से बच गए। पढ़ने में अखबारों को आप उठा के देखिए, बैंकों से पहले कर्जे लेकर के अपने आधुनिक सामान सुविधा जुटाते हैं। तुम्हारे बच्चों को तुमने इस तरह पालन पोषण कर रखा है कि उनके लिए चीजें महत्वपूर्ण हैं। स्कूल जाने वाला बच्चा भी 60,000 रुपए की मोटरसाइकिल मांगता है, नहीं दो तो घर से भाग जाने की धमकी देता है। इसमें असफलता माँ बाप की है, इसमें असफलता उस स्कूल की भी है जिसने बच्चे को यह नहीं सिखाया कि चीजों से तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बनती है। तुम्हारी अगर आइडेंटिटी है तो है, और अगर तुम्हारे में कोई गुण नहीं है तो मोटरसाइकिल पर बैठ जाने से तू हीरो नहीं हो जाएगा। जिन घरों में दिन रात सिनेमा चलता है, जिन घरों में दिन रात फिल्मी मैगजीन्स और फैशन मैगजीन्स पढ़े जाते हैं, जिन घरों में दिन रात बाप और माँ बैठ करके अच्छी चीज़ें और महंगी चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं, उस घर के बच्चे ये सब सीख रहे हैं और ये सब इच्छाएं, ये सब कामनाएं उनके मन में जगने लग जाती कि अब मुझको भी चाहिए, और वो ये भूल जाते हैं और उन्हें कोई ये नहीं बताने वाला होता कि चीज़ें सुविधा के लिए होते हैं, चीज़ों से आपको अल्टीमेट आनंद नहीं मिल जाना। संस्कार गलत है। और नज़र मार के देखती हूँ तो मेरा ये बहुत कठोर वचन है, पर मैं ये ऐसा महसूस करती हूँ, ये मेरा निजी विचार है कि हर एक को माँ पिता होने का हक नहीं दिया जाना चाहिए। जिसके जिंदगी में खुद में कोई संस्कार आचार विचार नहीं है, ऐसे पशुओं के यहाँ जो बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों के अंदर भी वही माँ बाप जैसी ही कटुता और तामसिकता और राजसिकता होगी। इस मानव जीवन का मूल मानव ही नहीं जानता। मानव अपने जीवन में उन व्यर्थ की वस्तुओं को ईश्वरीय पदवियां दे देता है जिनकी सिर्फ योग्यता उपयोग करने तक भर की थी। बस थिंग्स आर मेंट टू बी यूज्ड एंड देन यू कैरी ऑन विद योर लाइफ टू अचीव समथिंग एल्स। व्हाट इज लाइफ फॉर यू? अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, बैंक में पैसा, बस ये नहीं है तो हम असफल हो गए, ये है तो हम सफल हो गए। तो इन पदार्थ से संबंधित असफलताओं को जिन्होंने जीवन की असफलता मानी और जीवन का नाश किया, ऐसे लोग और अधिक बड़ी से बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं, और वो ये कि वो भटकते रहते हैं और जन्म नहीं होता। और जिस धन की खातिर, जिस मकान की खातिर
पूरा जीवन खराब किया था, उसी मकान में गैरों को बैठे देखता है, जब अपने पुत्रों और संतानों को और नीच जीवन जीते हुए देखता है जब, और कुछ कह भी नहीं सकेगा, उसकी हालत तो समझो जरा, दुर्दशा। ममता जीते हुए भी दुख देती है और ममता मरणोपरांत भी दुख देती है। कौन दुखी कर रहा है तुमको? किसकी वजह से तुम दुखी होते हो? अपने ही बच्चों की वजह से। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी जमाई, मेरा बहू, मेरे नाती, मेरे पोते, मेरा घर, मेरा मकान, इसी मेरेपन के द्वारा तुम अपने आप को पहले टॉर्चर करते हो और इसी मेरेपने का स्मरण करते हुए तुम मरोगे तो तुम्हारा होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। जैसा अभी कीट पशु की भांति जीवन अभी जी रहे थे, ऐसा ही जीवन या इससे भी और नीचे गिरा हुआ जीवन मिल जाएगा। अर्जुन ने प्रश्न उठाया है मृत्यु का, क्या होता है? प्रयाण काले च कथम गेहोसी नित्यातमिभि, क्या हालत होती है ज्ञानी की? ज्ञानी किस स्थिति से गुजरता है, वो क्या महसूस करता है, उसको क्या होता है? और साथ ही साथ जो भगवान ने कहा उसके विषय में भी वो कहता कि मुझे समझ नहीं लगी, हे मधुसूदन कृपया मेरे शंकाओं का निवारण कीजिए और जो ये मेरे चित्त में भ्रम उठ रहा है इस भ्रम का भी निवारण कीजिए। प्रभु बोलते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संयतः। परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसा सचिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ दान होम आदि के निमित्त जो द्रव्य आदिकों का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। जो जो पूछा उसने उन सब के बारे में, उसने पूछा ब्रह्म क्या है, भूत क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, तो पहले वो उन प्रश्नों, ये जो नए प्रश्न अर्जुन ने उठाए हैं उन प्रश्नों के विषय में भगवान पहले जवाब देते हैं। ब्रह्म किसको कहते हैं? जो परम अक्षर है। अक्षर का अर्थ हिंदी भाषा या किसी भी भाषा के वर्णमाला में जो अक्षर हैं उन अक्षरों को यहाँ नहीं कहा जा रहा। अक्षर का अर्थ एक और भी है और वो है जो क्षर ना हो वह अक्षर होता है। क्षर किसको कहते हैं? जिसका नाश हो जाए, जो खत्म हो जाए, जो मर जाए, उसे कहते हैं अक्षर। क्षर जिसका नाश हो जाए और अक्षर जिसका कभी भी नाश नहीं होता है। क्षर नाश, अक्षर अविनाशी, इमॉर्टल, इम्पेरिशेबल, जिसका कभी नाश ना हो, ऐसा एक अक्षर है। क्या है? तो शब्द रूप से उसको इंगित किया है प्रणव से, जिसे हम कहते हैं ओम। यह ओम अक्षर, ये जो लिपि है, ये जो तुमने लिखा है भाई, ये भी अक्षर होने वाला है। कागज में लिखा हो कि पत्थर में लिखा हो, किसी की वाणी पर आ रहा हो कि किसी मन के मन में गूंजे, तो शब्द बोलते हैं, शब्द तरंग बनकर वायु के लहरों पर यात्रा करते हुए तुम्हारे कान तक पहुंचा और तुम्हारे कान के अंदर ईयर कैनाल में अंदर तक वो गया और भीतर कान में तीन छोटी छोटी बड़ी बहुत डेलिकेट हड्डियां होती हैं जिन हड्डियों को वो वाइब्रेट करता है, जहां से फिर वो मैसेज वाया द न्यूरॉन्स जो हमारा नर्व सिस्टम है उसके द्वारा मैसेज जाता है दिमाग को और दिमाग उसका एनालाइज करता है और कहता अच्छा ये ओम कहा गया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ जो शब्द हो रहा है ये भी एक तरंग है। ध्वनि क्या है? एक तरंग है। इट्स वाइब्रेशन। गले की नसें, जीभ ऊपर नीचे हुई, मुंह खुला, मुंह के उस स्पेस में जीभ ने अपनी जब हरकत करी तो जीभ के ऊपर नीचे होने पर इस पूरी रेंज में ये जो हमारा
वॉइस बॉक्स है, यहाँ पर वाइब्रेशंस हुई, इन वाइब्रेशंस के होने पर ये बाहर आई वायु के, ऑन द वेव्स ऑफ एयर द साउंड ट्रेवल्स. तो जो वाइब्रेशन है ये तरंगे इन हवा की लहरों पर यात्रा करती हुई तुम्हारे कान तक पहुँची, और कान के इस छिद्र से आगे छोटा सा केनाल है, केनाल के आगे ये तीन हड्डियां हैं. तो ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये वाइब्रेशंस उन हड्डियों तक जाती हैं और उन हड्डियों को वाइब्रेट करती हैं. वाइब्रेशन कम्स बैक टू दिस इनर ईयर केनाल वाइब्रेशन, और इस वाइब्रेशन का जो मैसेज है वो न्यूरॉन के माध्यम से पहुंचा मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क फिर उसको समझता है, उसको एनालाइज करता है और फिर अपनी घोषणा देता है कि ये शब्द अभी हमने सुना. जब तुम कहते हो भाई समझ नहीं आया क्या बोला, तो क्या हुआ कि तरंग तो पहुंची, पर जब तरंग का संदेश दिमाग तक पहुंचा तो दिमाग कहीं और चूंकि विचारों में व्यस्त था, इसलिए उस तरंगों को वो ठीक से एक अर्थ नहीं दे पाए. तो कहते हो दोबारा से बताओ, तो बोलने वाले ने दोबारा बोला. बोला क्या? फिर तरंग उसने अपने गले से उठाई, वो तरंग फिर ट्रैवल होके तुम्हारे तक आई. अब ये सब कुछ इतनी जल्दी से होता है, मुझे बताने में देर लग रही है, पर तुम्हारे कानों तक मेरी इस ध्वनि को पहुंचने में कितना वक्त लग रहा है. यहीं पर आश्रम के स्टूडियो में एक डिजी बॉक्स, एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम साउंड की जो ट्रैवलिंग का जो मोड है, जब जैसे माइक से हमने बोला इस मॉनिटर में गया, माइक से एम्पलीफायर के थ्रू उस स्पीकर तक गया, तो अगर हम वाया डिजी बॉक्स थोड़ा सा मॉड्यूलेट करें तो यहाँ मुझे जल्दी सुनाई पड़ेगा और वहाँ पर वो देर से पहुँचेगा. तो उसकी हमने तरंग को थोड़ा धीमा कर दिया. हम धीमा कर सकते हैं, उसे तेज कर सकते हैं, फीडबैक ना आवे तो उसके अंदर उस साउंड डिले को डाल दिया जाता है, ऐसे यंत्र होते हैं. लेकिन जब आप सामने इस प्रकार बैठे हों, तुमने महसूस किया होगा कि अक्सर जब हम यहाँ बैठते हैं थोड़ा हॉल में साउंड एकुस्टिक्स उतने अच्छे नहीं हैं. जिस समय बना था तो किसी इंजीनियर का शायद परामर्श कंसल्टेंसी हम लोग नहीं लिए थे, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज द साउंड. अब कई दफ़े तुम लोग और कई लोग सोचते हैं ठीक तो आ रही है आवाज़, गुरु माँ क्या करा रहे हैं, मतलब व्हाट डज शी वांट. हमारे इन कानों की ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो चुकी है कि छोटी से छोटी हरारत, छोटी से छोटी वाइब्रेशन, छोटी से छोटी हमिंग को हम पकड़ रहे होते हैं. और गाने के लिए मॉनिटर से मुझे मेरी आवाज़ और मेरे साजों की आवाज़ जब तक ठीक से नहीं आएगी, अगर डिलेड आ रही हो या डिस्ट्रैक्टेड आ रही हो या मडी आ रही हो, देखो साउंड इज मडी, साउंड कैन बी फ्रेगमेंटेड, साउंड कैन बी फ्रैक्शनलाइज्ड. अब ये इतनी बारीकी में जिसके कान चल रहे हो, तो थोड़ा वक्त ठीक करो, इसको अभी और थोड़ा ठीक करो, इसको थोड़ा और अभी ठीक करो. पर ईश्वर के बने इस साउंड बॉक्स, ये जो तुम्हारे गले में होता है और तुम्हारे कानों में ये जो रिसीवर का सिस्टम लगा है, ये इतना बारीक है कि इसी की रेप्लिकेशन साइंटिस्टों ने बाहर एम्पलीफायर्स और मॉनिटर्स में करी. नियम वही चालू है, नियम वही लागू होते हैं. कितना इंटेलिजेंट है ये प्रकृति का विधान, कितनी बारीकी और कितनी दूर तक जाते हैं. खैर, जो ध्वनि आप सुनते हैं, जिस समय मैंने ध्वनि बोली उसी क्षण यहाँ पर खत्म हो गई ध्वनि, पर उसकी तरंग तुम्हारे तक पहुँची, तुम्हारे कान तक आई. कान से जो नसें दिमाग तक जा रही हैं वो उस न्यूरॉन के माध्यम से उसका मैसेज दिमाग तक ले जाते हैं, और फिर दिमाग उसको समझता है कि क्या कहा गया, क्या बोला गया. तो जो हम अक्षर बोलते हैं, ये अक्षर भी क्षर हैं, पर जो अक्षर ब्रह्म है उसका क्षर कभी नहीं होता. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग?
जो अक्षर हम जीवा से बोल रहे हैं इसका तो क्षर अर्थात नाश है, पर जो अक्षर ब्रह्म है उसका कभी क्षरण, उसका कभी नाश नहीं होता है। तो जिसका कभी नाश ना हो ऐसे परम अक्षर को ही हम ब्रह्म कहते हैं। अच्छा, ये ब्रह्म कैसा है? तो बोले सत्य है, चेतन है, आनंद है, व्यापक है। ये ब्रह्म शब्द की फिर आगे विस्तृत व्याख्या हो गई। अब जीव क्या है, जीव कौन है? तो उसके लिए कह रहे हैं कि अपने ही जैसा स्वरूप है, ब्रह्म के जैसा ही जिसका स्वरूप है उसी का नाम जीव है, जिसे हम अध्यात्म भी कहते। यह जीव भी चैतन्य है। भूतों के भावों को जो उत्पन्न करे, शास्त्र विदित यज्ञ दान होम जो कर्म हैं, जो ये शास्त्र विदित ये जो भावनाएं उठती हैं और शास्त्र विदित ये जो क्रियाएं होती हैं तुम्हारे शरीर और मन में, इन्हीं को हम कर्म कहते। कर्म किसको कहेंगे? शास्त्र विहित और भूतों के द्वारा जो तरंगें जगी। देखिए दो चीजें यहां आ रही हैं, एक वो कर्म जिसकी अनुमति शास्त्र देता है, पर फिर बहुत से कर्म तो तुम्हारे ऐसे होते हैं जिसकी आज्ञा शास्त्र देता ही नहीं। चुगली खाना, निंदा करना, बड़ाई करना, मान करना, इसकी क्या आदेश आज्ञा आपको शास्त्र देता ना? तुम्हारे इन पंचभूतों के बने हुए शरीर, इंद्रिय और मन में ये जो तरंगे उठती रहती हैं, अलग अलग भावनाएं उठती रहती हैं, इन भावनाओं के द्वारा प्रेरित जो जो क्रियाएं तुम करते हो उन्हीं को हम कर्म कहते हैं। कर्म छोटी बात नहीं है। एक आदमी उठा, उसने उठ के थप्पड़ मार दिया। बोले ये थप्पड़ क्यों मारा? भाई उसके मन में कोई तो तरंग आई होगी ना, जो उसके हाथ में भी तरंग आ गई। कर्म कैसे होता है? कर्म तब होता है जब तुम्हारे मन में या इंद्रिय में या शरीर में तरंग कोई उठी।